एमएके न्यूज चैनल देख रहे सभी दर्शकों को एक बार फिर जोरदार स्वागत है। इस वक्त की खबर आपको बता दें कि जालौन दोहरे से आ रही है। डीआईजी झांसी सुभाष सिंह बेघल ने कोच कोतवाली का निरीक्षण किया है। पूरी खबरों पर एक बार नजर डालते हैं, उनका बयान भी सुनते हैं। डीआईजी के लिए वही पर झांसी सुभाष सिंह बेघल ने भी कोच कोतवाली में से निरीक्षण किया है और अपने निरीक्षण के दौरान ही उन्होंने कोतवाली कोच के अभिषेक के लिए वह चेक किया है और उन्होंने में तैनात मुंशी दीवान आदि के लिए आपराधिक रिकॉर्ड रजिस्टर के बारे में भी पूछा है और साथ ही वह अपराध के लिए रजिस्टर पर क्रमांक दी है और पूछा है और जिसका उन्होंने सही उत्तर दिया है। और वहीं पर इनके अलावा उन्होंने मैस जैसे खाना आदि व साफ सफाई देखी है और जिसमें से वह संतुष्ट दिखे हैं। उन्होंने बैरिक के भी लिए निरीक्षण किया है और जहाँ पर भी वह व्यवस्थाओं के लिए संतुष्ट दिखे हैं और डीआईजी के पत्रकारों से वही पर वारदात करते हुए कहा है कि निरीक्षण में से उन्होंने कुछ खास कमी भी मिली है और वहीं पर लेकिन यहां सुधार होता है और वहीं पर वह गुंजाइश बनी रहती है। उनके निर्देश क्रम में सभी उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में आज नोडल अधिकारियों का भ्रमण और वहां पर विश्राम और काफ़ी बड़ा कार्यक्रम आज 22 और 23 तारीख का, तो उसी क्रम में मैं चूँकि जालौन का नोडल अधिकारी हूँ आज मैं इस समय थाना कोच में हूँ और कोच में हमारे द्वारा पूरे थाने का यहाँ पर निरीक्षण किया गया। अपराध स्थिति, शांति व्यवस्था, हमारा जो सामान्य जो प्रशासन है हर चीज़ को देखा गया और मुझे खुशी है कि कोच थाने में एडिशनल एसपी जालौन, एडिशनल एसपी जालौन और सीओ कोच के नेतृत्व में थाने में इन्होंने पूर्व में काफ़ी सुधार किया है। हमने बीट विभाजन, कर्मचारियों का बीट विभाजन देखा, वो बिल्कुल सही पाया गया। इसके अलावा जो हमारे जो कार्य आवंटन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सब बिल्कुल ठीक पाया गया। यहाँ पर जो बिल्डिंग है उसको भी देखा गया, जो कुछ अभिलेख हैं उनमें कहीं कहीं पर हल्की फुल्की कमी है उसको पॉइंट आउट किया गया, उनको किया जाएगा। सामान्य रूप से कोच की अपराध स्थिति वो नियंत्रण में है, कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। इससे स्पष्ट है कि यहाँ की पुलिस फोर्स के द्वारा परिश्रम किया जा रहा है लेकिन सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। तीन चीज़ों पर हमने जो निर्देश दिए हैं, यातायात प्रबंधन अच्छी उच्च कोटि को होना चाहिए ताकि उसमें पब्लिक को किसी प्रकार की समस्या ना हो। दूसरा, महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में जो हमारे पुलिस की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनका समय से क्रियान्वयन करना और महिलाओं को सुरक्षित रखना, महिलाओं और लड़कियों को। इसमें जो हमारे यूपी 100 जो अब यूपी 112 हो गई है उसका बहुत बड़ा रोल है, प्लस हमारा जो महिला कॉन्स्टेबल्स हैं, जो हमारे एंटी रोमियो स्क्वाड है, फुट पेट्रोलिंग है, इन सब पर हम लोग जोर दे रहे हैं। लेकिन सबसे आवश्यक चीज़ जो है क्षेत्र की कानून व्यवस्था को मेंटेन रखना और अपराध जो है स्थिति को बिल्कुल नियंत्रित रखना। हमने निर्देश दिया कि जितने भी दुर्दांत और कुख्यात किस्म के अपराधी हैं उन पर जो पुलिस बिल्कुल विद हैवी हैंड्स उसके ऊपर टूट पड़े और उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए ताकि जनता बिल्कुल सुरक्षित वातावरण में अपना विचरण कर सके, अपने कार्यों को अंजाम दे सके, लोग कहीं भी आ जा सकें और किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना। सर, दिवाली के त्यौहार के लिए कोई दिशा निर्देश? दीपावली के अवसर पर सबसे पहले तो जालौन जनपद के मैं सभी निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू। और जो है हमेशा यहाँ की पब्लिक ने हमेशा जो है प्रशासन और पुलिस का कोऑपरेट किया है, तो जो भी निर्देश पटाखे वगैरह के संबंध में दिए गए हैं किसी भी प्रकार का अवैध कार्य न किया जाए, ऐसा कोई कार्य न किया जाए जिससे किसी पड़ोसी को परेशानी हो, समाज के लोगों को परेशानी हो या कोई आपकी किसी गतिविधि के कारण असुरक्षित हो सके। सभी जो है लोगों से, पेरेंट्स से मेरा विशेष अनुरोध है कि छोटे बच्चों को जब भी वो पटाखे जो है चलाएं या फुलझड़ी वगैरह चलाए तो उनको अपने साथ अपने गाइडेंस में वो रखें। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए